मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आप लोगों ने कभी मौत को कन्फ्रंट किया? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के इन कमरों में भी। सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वो लम्हे, वो मोमेंट्स जो कभी खून जमा देती है तो कभी खून में आग लगा देती है। सिर से पांव तक मैं बिस्तर पर लेटे हुए मरीज की बात नहीं कर रहा, मैं खाता चलान लगाने को तैयार उस मौत की बात कर रहा जो साफ दिखाई देती मरने और मरने वाले की आंखों, दोनों की आंखों। मैंने बहुत लोगों की जान ली, मौत के घाट उतारा युद्ध में भी और कोर्ट मार्शल के इन कमरों में भी, लेकिन आज तक ना तो मेरा कभी खून जमा ना उसमें कभी आग लगी। शायद उन क्षणों मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज बसते हैं जो सदियों से मौत से खेलते रहे। द डीलर्स इन डेथ, दादी की सुनाई कहानियों के पात्र मेरे जिस्म का मेरी रूह का हिस्सा बन गए थे। हाथों में लपलपाती तलवारें लिए मैदानों रेगिस्तानों और पहाड़ पे दिन रात दौड़ते घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ, जलती रेत पर अंदर गति से दौड़ते घोड़े, खच की आवाज से जिस्म को चीर की पाती तलवारें और रेत से चस होता खून। आजादी से पहले हम राजस्थान की एक छोटी सी रियासत के राजा थे। दादी सुनाती थी दादा की कहानी, तय दादू राजा की कहानी। मैं पिता की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो घोड़े पे सवार होकर आदमी नहीं मारा करते थे, होलो ग्राउंड में गेंद को मारा करते थे। मैं माँ की बात भी नहीं कर रहा क्योंकि वो भी इसी युग की है, कोका खोला प्रोडक्ट। पिछले युद्ध की याद अभी भी आती है, जिस पोस्ट संतरा देने वाली याद। बच गए सिर्फ 3 सैनिकों को लेकर दुश्मन की चौकी पर धावा बोल दिया था। गले में लटकती ग्रेनेड की मारत से एक कैद ग्रेनेड उतार के फेंकता मैं। कैप्टन सूरज सिंह, हाँ उन दिनों में मैं कैप्टन हुआ करता था। किसी विदेशी पत्रकार ने मेरी फोटो के साथ कैप्शन दिया, लायन विद ग्रेनेड्स। हम लोगों के जीवन में ऐसे मोमेंट्स अक्सर आया करते, लेकिन आज तक कोई भी सूरज सिंह के खिलाफ किसी तरह का चक्रव्यूह नहीं बना पाया क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने और बाहर निकलने की रणनीति आती। मैं चीते की तरह बेआवाज चलता और शेर की तरह ताड़ का छलांग लगाता हूं, जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। लेकिन एक बार नहीं लगा पाया था मैं ये जानलेवा छलांग, सिर्फ एक बार हो गया था मैं नियत्था। सामने ना तो कोई दुश्मन और ना ही कोई जंग, दोनों हाथों से छीन ली गई तलवारें। पहली बार मुझे दिल दिला देने वाले सत्य का पता चला कि जब हम किसी की हत्या करते हैं तो हमारी रूह का हिस्सा भी मर जाता है मरने वाले के साथ। क्या सच केवल उतना होता है जितना दिखाई दे सुनाई दे? अरे सच तो हथेली पे उगाया अंगारा होता है, धधकता अंगारा। क्या आप लोगों ने कभी पकड़ा है अंगारे को? शायद नहीं। मैंने, कर्नल सूरज सिंह ने पकड़ा है अंगारे को, एक बार, सिर्फ एक बार। अब रामचंद्र को दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। कर्नल सूरज सिंह साहब कोर्ट मार्शल के प्रिजाइडिंग अफसर हो और कोई बच जाए नामुमकिन। कर्नल साहब 10 कोर्ट मार्शल कर चुके हैं, 10। आज तक कोई भी मुजरिम उनके हाथों नहीं बच पाया। इसका मतलब
रामचंद्र का हो गया राम नाम सत्य। आप लोग रामचंद्र दाएं से आगे चल, रामचंद्र आगे चल, जबूरी कोर्ट की कार्रवाई शुरू करी जाए। दस जून की रात को जवान रामचंद्र गार्ड ड्यूटी पर था। रात को 9 बजे रेजिमेंट के 2 अफसर कैप्टन मोहन वर्मा और कैप्टन कपूर गार्ड चौकी के पास से गुजरे। जवान रामचंद्र ने सरकारी राइफल से उन पर गोली चला दी। कैप्टन मोहन वर्मा की हादसे की जगह पर मौत हो गई और कैप्टन कपूर गंभीर रूप से घायल हो गया। कैप्टन कपूर बच गया क्योंकि गोली उसके बाएं कंधे के बिल्कुल पास लगी थी। अगर उसे उसी वक्त मिलिट्री हॉस्पिटल न पहुंचाया जाता, उसका ऑपरेशन ना होता तो उसकी भी मौत हो जाती, यकीनन मौत। डॉक्टरों की रिपोर्ट के मुताबिक गोली अगर 2 इंच नीचे हाथ पर लगती तो कैप्टन कपूर के बच जाने का कोई सवाल ना था। इसका मतलब साफ है कि जवान रामचंद्र इन 2 अफसरों को मारने का पक्का इरादा कर चुका था। इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के तहत जवान रामचंद्र पर जनरल कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। जानबूझकर होशोहवास में मर्डर करने और कत्ल करने पर कोर्ट मार्शल। यह जनरल कोर्ट मार्शल जानबूझकर होशोहवास में कैप्टन वर्मा की हत्या और कैप्टन कपूर पर जानलेवा हमले की वजह से किया जा रहा है। क्या तुम अपना जुर्म इकबाल करते हो? How do you feel? Guilty or not guilty? Sir! Sir! बैठ जाओ जवान रामचंद्र। मेजर पुरी, सर आप अपना पहला गवाह पेश कीजिए। इस मुकदमे के पहले गवाह सर। यस कैप्टन रॉय, व्हाट इज द प्रॉब्लम? सर इससे पहले कि मेजर पुरी अपना पहला गवाह पेश करें, मुझे कुछ कहना है। कोर्ट मार्शल अभी शुरू भी नहीं हुआ और कैप्टन रॉय के अतरा शुरू। बोलो। सर मेजर पुरी है अभी 3 बार जवान रामचंद्र का। तो क्या बोले फिर? सर मेजर पुरी को जवान रामचंद्र नहीं सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए था। क्या मतलब? What the hell do you mean? रामचंद्र सेना में जवान है कि नहीं? तो क्या फर्क पड़ता है कि जवान बोला जाया सवाल क्या के? सर फर्क पड़ता है और नहीं भी पड़ता। हम आप इन्फेंट्री के कर्नल है, आपको कैवेलरी का कर्नल तो नहीं पुकार सकते ना। रामचंद्र बख्तरबंद रेजिमेंट का है और बख्तरबंद दस्ते वालों को सवार पुकारा जाता है ना कि जवान। कैप्टन रॉय ठीक है,
सरकारी वकील मेजर पुरी को सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए। शायद डिफेंस काउंसिल किसी टेक्निकल गलती की वजह से कोर्ट मार्शल का फैसला रद्द करवाने के चक्कर में है। सर, भाई सेना के कानून विभाग ने आप जैसे सीनियर अफसर को सलाहकार जज जज एडवोकेट बनाकर भेजा है। आपके होते हुए कोई भी तकनीकी गलती छोकर हो सकती है, और जीवन और मृत्यु के निर्णय तकनीकी आधार पर नहीं, जो सत्य है उस पर होते हैं। और सत्य तो खुद ब खुद बोलता है, झूठ की घुमावदार गलियों में अपना रास्ता नहीं भटकता, हर किस नहीं भटकता। कैप्टन रॉय, उतना बात करो जितना इस कोर्ट मार्शल से मतलब है। जो जवान रामचंद्र, मेरा मतलब है कि सवाल रामचंद्र पे चल रहा है। कैप्टन रॉय और बाकी लोग भी कान खोल कर सुन ले, ये कोर्ट मार्शल को हिंदी फिल्म नहीं, फिजूल के दावों पे इस और एतराजों से इस कोर्ट का मत जाय करने की किसी को अनुमति नहीं है। रिजल्ट क्लियर। इस कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर सूरज सिंह है, कर्नल सूरज सिंह। डोंट यू एवर फॉरगेट दिस फैक्ट। लेकिन सर, सलाहकार जज भी मेरा इतराज सही मान चुके हैं कि रामचंद्र को सवार रामचंद्र पुकारना चाहिए था। मुझे दुख है कि आप मेरे सही एतराज को वक्त जाया करना समझते हैं। अगर आपको यही लगता है कि मैं फिजूल बातों पर एतराज करता हूं, तो सर मैं दिल्ली वापस चला जाता हूं। आप किसी और अफसर को बचा वकील रख ले। Don't threaten me. सब जानते हैं खून रामचंद्र ने क्या है। अखबारों में भी बात चल चुकी है। रामचंद्र ने खुद अपने जोड़े पाल किया है। ये बात तुम जानते, मैं जानता, कोर्ट में बैठा हर व्यक्ति जानता है, पूरी दुनिया जानती है ये मर्डर किसने किया, ये केस रामचंद्र का है कि नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है कि जवान बोला जाए या सवाल कहता है। सर, आपने तो मुकदमे की सुनवाई से पहले ही अपना निर्णय ले लिया कि खूनी कौन है, तो फिर इस कोर्ट मार्शल की क्या जरूरत, इस ठकोसले, इस फरेब की क्या जरूरत है। सर, अगर आप कहें तो मैं लिख कर ये केस लड़ने से मना कर दूं, क्योंकि ये कोर्ट तो अपना फैसला पहले ही सुना चुकी है। सर, वैसे जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं कि अखबार में छपी हुई सारी खबरें सच हो। छपे हुए शब्दों को झूठ बोलने की आदत होती है। सर, सिट डाउन कैप्टन रॉय। मेजर पुरी, आप अपना पहला गवाह पेश करें। इस मुकदमे के पहले गवाह रेजिमेंट के सूबेदार बलवान सिंह है। सूबेदार साहब, आप 10 जून की रात को 9 बजे कहां थे? साहब, उस वक्त मैं रेजिमेंट के गार्ड हाउस के पास था। क्या कर रहे थे आप वहां पर? नाइट ड्यूटी पर हमेशा? नहीं सर, ड्यूटी पर नहीं था। उस रात बिजली चली गई थी। मेरा क्वार्टर गार्ड हाउस के नजदीक है, गर्मी बहुत थी, इसलिए गार्ड हाउस के पास वाला मैदान में हवलदार राज सिंह के साथ ठहर रहा था। सर, उस रात गार्ड ड्यूटी पर कौन था? जवान, मेरा मतलब सवा रामचंद्र। 10 जून की रात को 9 बजे आपने क्या देखा? सर, बताया बिजली चली गई थी, साफ साफ कुछ दिखाई दिया। गार्ड हाउस के पास से एक मोटरसाइकिल। साफ साफ कुछ नहीं दिखाई दिया, शायद आपने चश्मा नहीं लगाया होगा उस रात। सर, मेरी नजर 100% ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगा था। लेकिन अभी तो आपने बोला कि कुछ साफ साफ। सर, कहा ना बिजली चली गई थी। सुवेदार साहब, लाइट चली गई थी तो क्या हुआ? 10 जून को पूरे चांद की रात थी और आप गार्ड हाउस से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर टहल रहे थे, और आपको शायद पता ही नहीं कि पूरे चांद की रोशनी इतनी होती है कि 400-500 मीटर तक सब कुछ साफ दिखाई देता है, मैदान में पड़ी छोटी सी गेंद भी। खैर छोड़िए, ये बताइए, जो मोटरसाइकिल गार्ड चौकी के पास से गुजरी उस पर कितने लोग थे? सर, 2 आदमी थे। क्या उन दोनों ने हेलमेट पहन रखा था? नहीं सर। फिर तो आपने पहचान लिया होगा। यस सर, कैप्टन वर्मा मोटरसाइकिल चला रहे थे और कैप्टन बीडी कपूर उनके पीछे बैठे थे। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने रेजिमेंट के 2 अफसरों को पहचान लिया, तो गार्ड ड्यूटी पर तैनात रामचंद्र ने भी जरूर पहचान लिया होगा। यकीनन सर। इसके बाद क्या हुआ? जब मोटरसाइकिल गार्ड उसके पास पहुंची तो रामचंद्र ने गोली चला दी। पहली गोली कैप्टन वर्मा को लगी, मोटरसाइकिल सड़क से नीचे उतर गई। गार्ड हाउस के थोड़े से पास पर एक पेड़ है, अगला भैया उस पेड़ से टकराया। जैसे मोटरसाइकिल जमीन पर लुढ़क रही थी, रामचंद्र ने दूसरी गोली चला दी। सर, इसके बाद क्या हुआ? दूसरी गोली कैप्टन कपूर के कंधे के निचले हिस्से में लगी, मोटरसाइकिल गिर गई। रामचंद्र उस तरफ दौड़ पड़ा और वहां पहुंच के उसने फिर से राइफल तान ली गोली चलाने के लिए। तब तक मैं और हवलदार राज सिंह वहां पहुंच चुके थे और हमने रामचंद्र को पीछे से पकड़ लिया। जब आपने रामचंद्र को पीछे से पकड़ा तो उसने राइफल किसे मारने के लिए तान रखी थी? सर,
जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर को। इसका मतलब यह है कि अगर आप रामचंद्र को पीछे से ना पकड़ते तो वो जख्मी हो चुके कैप्टन कपूर का भी कत्ल कर देता। यस सर। इसके बाद क्या हुआ? गोली चलने की आवाज सुनकर बहुत सारे जवान बैरकों से दौड़ कर बाहर आए, हादसे की जगह पर पहुंच गए। रामचंद्र सबके सामने चीख चीख कर कह रहा था, मैंने चला ये गोली, मुझे छोड़ दो, मैं इसके अपने भी कत्ल कर दूंगा। तब तक हम उसके हाथ से राइफल छीन चुके थे। बड़ी मुश्किल से चार पांच जवान रामचंद्र को जकड़ सके। भगवान ही जाने साहब, उस रात कितनी बड़ा की ताकत रामचंद्र में कहां से आ गई थी। सर, मुझे कुछ और नहीं पूछना। कैप्टन रॉय, आप गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। सुबेदार साहब, आप रामचंद्र को कितने समय से जानते हैं? सर, पिछले 3 सालों से। ट्रेनिंग सेंटर से रामचंद्र की पोस्टिंग हमारी रेजिमेंट में हुई थी सर। गुड। तो इन 3 सालों में रामचंद्र की कभी किसी से कोई मारपीट हुई, कोई झगड़ा हुआ, या उसके खिलाफ कभी किसी ने कोई शिकायत या रिपोर्ट किया आपसे? नहीं सर, मारपीट तो दूर, रामचंद्र की कभी किसी के साथ कोई बहस तक नहीं हुई। बहुत ही गौरव आदमी है सर। कोई भी ड्यूटी जो आपने अथवा किसी और अफसर ने दी हो, उसे करने में रामचंद्र ने कभी कोई आनाकानी या लापरवाही की? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। रामचंद्र हमेशा अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से करता है, उसके खिलाफ कभी कोई शिकायत नहीं हुई। कैप्टन मोहन वर्मा जो मर चुके हैं, या कैप्टन कपूर ने कभी उसके खिलाफ कोई शिकायत की, कोई एक्शन लिया, या कभी कोई सजा दी? नहीं सर। तो फिर रामचंद्र ने कैप्टन मोहन वर्मा का कत्ल क्यों किया? कैप्टन कपूर पर जानलेवा हमला क्यों किया? मैं क्या जानू साहब, जो देखा बता दिया। सुबेदार साहब, भाई सच केवल उतना नहीं होता जितना दिखाई दे। सच का केवल एक हिस्सा हम अपनी आंखों से देख पाते हैं और उसे पूरे का पूरा सच मानने की गलती कर बैठते हैं। और फिर ये कहां जरूरी है कि जो आप या हम देखें वो सच ही हो। सर, आंखों देखी बात हमेशा सच होती है। अच्छा, अब जिस जगह खड़े हैं क्या वो हिल रही है, घूम रही है? नहीं सर। ये कोर्ट रूम हिल रहा है, घूम रहा है? बिल्कुल है सर। भाई आप अपनी आंखों देखी बात कर रहे हैं ना, और आपकी आंखों देखी बात गलत है। भाई इतना तो आप जानते होंगे कि ये पृथ्वी घूमती है अपनी दूरी पर भी और सूरज के चारों ओर भी। अब आपके ना देखने से ये सच झूठ में तो नहीं बदल जाता ना सुबेदार साहब? जमीन घूमने से इस मुकदमे का क्या मतलब? कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज कर रहा है, उसे बस वही सवाल पूछने का हक है जो इस ट्रायल से जुड़े हैं। मेजर पुलिस नायक कैप्टन रॉय, तुम्हारा इन सवालों का इस केस से क्या मतलब? मैं पहले ही सबको वार्न कर चुका हूं, किसी को भी इस कोर्ट का बाहर जाने की अनुमति नहीं है। राइट सर, समय तो सचमुच बहुत कीमती है, किसी के प्राणों से भी कीमती, और इस कोर्ट का चिंता करना बिल्कुल ठीक है, समय नष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे फिर कोई फांसी ही क्यों ना चढ़ जाए। सर, समय और सत्य हमेशा विपरीत दिशाओं से चलते हैं। सत्य क्या है इसका निर्णय हमेशा भविष्य करता है। ट्रूथ इज ऑलवेज द चाइल्ड ऑफ द फ्यूचर। और सर, मैं तो ये बताने बल्कि समझाने की कोशिश कर रहा था कि सत्य ना तो इतना छोटा होता है और ना ही इतना आसान कि उसे अपनी आंखों से देखा समझा जा सके। कैप्टन रॉय, गवाह से और कुछ पूछना है तो पूछो। सुबेदार साहब, जिस रात ये घटना हुई उस रात का गुप्त संकेत शब्द क्या था? What? क्या क्या था सर? मेरा मतलब पासवर्ड क्या था? मैं कैप्टन रॉय को एक सलाह देना चाहूंगा, इतनी कठिन हिंदी भाषा का प्रयोग ना करे जिसका मतलब अंग्रेजी में बताना पड़े। सॉरी सर। हाँ तो सुबेदार साहब, उस रात का पासवर्ड क्या था? सर वो तो मुझे ठीक से याद नहीं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं रेजिमेंट के ऑफिसर से पूछ के बताऊं। कोई बात नहीं साहब, भाई प्रत्येक रात एक नया पासवर्ड होता है, और इतने महीने पहले का गुप्त संकेत शब्द भूलना कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप कहें तो मैं याद दिला दूं, उस पूरे चांद की रात का पासवर्ड था काला चांद। हाँ, अब अगर आप चाहें तो रेजिमेंट के क्लर्क से पूछ सकते हैं। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। सर ठीक, उस रात का पासवर्ड था काला चांद। सुबेदार साहब, हत्या वाली रात की हर बात आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा,
तो सूबेदार साहब, भाई ये बात तो तय हो चुकी है कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफसरों को आपने पहचान लिया था। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि सवार रामचंद्र ने भी पहचान लिया होगा कि दोनों अफसर उसी के रेजिमेंट के हैं। सर यही बात तो मैं कह रहा हूँ। और यही बात तो सच है, और सच बोलने की हम सभी ने शपथ ली है। क्या आपने जवानों को हिदायत दे रखी है कि अफसरों को पहचान लेने पर पासवर्ड ना पूछा जाए? सर मैं कौन होता हूँ ऐसी हिदायत देने वाला। रूल इज रूल, गार्ड हर हालत में रोकेगा, पासवर्ड पूछेगा। मेरी 20 साल की सर्विस है सर, बेगा ऑफ सर्विस, क्या मुझे इतनी सी बात का पता नहीं? पता है आपको, पता है, और मैं जानता हूँ आप जवानों को ऐसी गलत हिदायत दे ही नहीं सकते, किसी हालत में नहीं। तो जब मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफसर पहरा चौकी के पास पहुंचे तो क्या रामचंद्र ने थम कौन है ललकारा था? सर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अगर रामचंद्र थम, मैं देखने की नहीं सुनने की बात कर रहा हूं, सुनने की। भाई क्या रामचंद्र ने थम कौन है ललकारा था? हाँ क्या ना? सर मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था सर। आवाज सुनी जाती है, देखी नहीं जाती। आप लगभग 500 मीटर की दूरी पर खड़े थे और मोटरसाइकिल चल रही थी, और बुलेट मोटरसाइकिल के चलने के शोर में आपको सवार रामचंद्र की ललकार सुनाई ही नहीं दे सकती। सर मैं 500 मीटर नहीं, मैं 100 मीटर की दूरी पर ध्यान रहा था। मेजर पुरी ने कहा, आपने मान लिया कि आप 100 मीटर की दूरी पर खड़े थे। आपने दूरी भीतर से मापी थी? मैंने मापी थी। आप घटनास्थल से ठीक 510 मीटर की दूरी पर खड़े थे, 100 मीटर नहीं। आप सवार रामचंद्र की ललकार सुन ही नहीं सकते थे, किसी हालत में नहीं। कैप्टन रॉय जानबूझकर गवाह को कंफ्यूज कर रहा है। एक सवाल सिर्फ एक बार पूछा जा सकता है। जब वो मान चुका है कि मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफसरों को रामचंद्र ने भी पहचान लिया था, तो फिर ये थम कौन है कि बात को बार बार पूछने का मतलब है? मतलब है मेजर पुरी, और आप कौन होते हैं मुझे सवाल पूछने से रोकने वाले? भाई आप तो नहीं है इस कोर्ट के प्रिसाइडिंग जज, ये हक सिर्फ प्रिसाइडिंग जज को होता है, आपको नहीं। कंटिन्यू कैप्टन रॉय। सर तो सूबेदार साहब एक छोटी सी बात बताइए, अगर थम कौन है कि ललकार सुनकर भी कोई अफसर ना रुके तो क्या? कैप्टन रॉय जानबूझकर सवालों को गलत मोड़ दे रहे, जो बात हुई ही नहीं उसे पूछने का क्या मतलब? और फिर यह कहा साबित हो चुका है कि उस रात इन दो अफसरों को रुकने के लिए रामचंद्र ने चैलेंज किया, पासवर्ड पूछा, गवाह कैसे बता सकता है? तो यही तो मैं कह रहा हूं, जो गवाह ने सुना नहीं बता कैसे सकता है? नहीं बता सकता। इसलिए मेरी माननीय कोर्ट से दरख्वास्त है कि आज रात को 9 बजे घटनास्थल पर चला जाए। जज वहां खड़े हो जहां सूबेदार साहब खड़े थे, टहल रहे थे, मोटरसाइकिल चलाई जाए, कोई सैनिक पहरा चौकी पर खड़ा होकर चैलेंज करे थम कौन है, चल जाएगा पता। भाई हो जाएगा मालूम कि आवाज सुनाई दे सकती थी क्या नहीं। अगर पता चल भी गया तो क्या हो जाएगा सर? कि रामचंद्र ने गोली नहीं चलाई, एक अफसर की हत्या और दूसरे बैग कातिलाना हमला किया कि नहीं? सर ये साबित करने वाला मैं कौन होता हूं? भाई ये तो रामचंद्र कन्फेस कर चुका है कबूल सबके सामने कि उसने गोली चलाई। मैं तो बस कोर्ट को सेना के उस कानून की याद दिलाना अपना कर्तव्य समझता हूं कि गार्ड के चैलेंज करने पर, ललकारने पर, थम कौन है कहने पर अगर कोई अफसर ना रुके तो गार्ड को गोली चलाने का पूरा पूरा हक होता है सर। डोंट ट्राई टू टीच जिसको दिया मिलो, तुम कानून सिखाओगे और मुझे? इस कोर्ट में कोई भी बात दबा छुपा के नहीं होगी। अब जोर से बोल के बताइए, क्या लिख के सलाह दी है आपने मुझे? अगर यह साबित हो गया कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके तो आर्मी लॉ के मुताबिक उसे गोली मारने का पूरा हक बनता है। It is his duty to open fire and kill. इस कानून का सबको पता है, लेकिन सख्ती से यह लागू होता है जंग के दिनों। Don't talk rubbish. शांति और जंग के दिनों में कानून बदला नहीं जाता। Law is law. War or no war. हमें हादसे की जगह नहीं जाना चाहिए सर। शायद डिफेंस काउंसिल जानबूझकर मुकदमे को कोई गलत मोड़ दे रहा है। जब खुद रामचंद्र मान चुका है कि ये मर्डर उसने किया, खुशो हवास में किया, तो फिर चैलेंज करने या ना करने वाली बात पर भी इम्पोर्टेंस देने का क्या मतलब? लेकिन क्यों ना जाए मानसिक की जगह पर,
रिपोर्ट मार्शल सच जानने के लिए हो रहा है, सच छुपाने के लिए नहीं। कोर्ट जाएगा, हर हालत में जाएगा। तो फिर रामचंद्र भी हो जाएगा बरी, हर हालत में बरी। अगर ये साबित हो गया कि रामचंद्र के चैलेंज करने पर अफसर नहीं रुके, आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया, पासवर्ड नहीं बताया, कब ले लिया इस कोर्ट में फैसला कि हर हालत में रामचंद्र को सूली में चलाना है? लेकिन सर, लेकिन क्या? कौन इस कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर? मैं हूं आप कैप्टन रॉय सर। आज रात 9 बजे कोर्ट हादसे की जगह पर जाएगा, पर जाएगा मालूम कि रामचंद्र ने ललकार दी थी या नहीं। अब सर, मैं नहीं चाहता कि कोर्ट के मेंबर हादसे की जगह जाकर अपना समय नष्ट करें। रामचंद्र कोर्ट से कुछ कहना चाहता है? नहीं, रामचंद्र इस वक्त कुछ नहीं कहेगा, गवाही सूबेदार साहब की चलेगी। लेकिन सर, रामचंद्र उस रात मैंने थम गोली की ललकार नहीं लगाई थी सर, बिना चैलेंज किया गोली चला दी थी सर। द कोर्ट मे लोड दिस कन्फेशन ऑफ रामचंद्र राइट नाउ, ही ओपन फायर विदाउट चैलेंज। कैप्टन बीडी कपूर, हु द हेल बी यू प्रोसिक्यूटर? सर, आई वाज जस्ट शट। कैप्टन बीडी कपूर भाई, आपको इतनी जल्दी क्यों पड़ी है रामचंद्र को फांसी पर चढ़ाने की? गवाही तो आपकी भी होनी है, नंबर आपका भी लगना है, जरूर लगना है। सुबेदार साहब, मुझे आपसे कोई सवाल नहीं पूछना, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ध्यान से देखें, सोचे परखें, तभी चल सकता है पता कि सत्य क्या है। 5 मिनट का ब्रेक, आप सभी लोग बाहर जा सकते हैं। कैप्टन विकास रॉय, अब यहीं रुके। कैप्टन रॉय, व्हाट आर यू अप टू? तुमने रामचंद्र को ये बात इकबाल करने का इशारा क्यों किया कि उसने बिना चैलेंज किए गोली चला दी? तुमने तो उसके फांसी को अपने हाथों से कस दिया, क्यों और फिर क्यों? सर, मैं किसी भी तकनीकी या टेक्निकल बात पर रामचंद्र का बचाव नहीं करना चाहता था। ये तो सब जानते हैं कि उसने गोली चलाई, हत्या की, लेकिन प्रश्न तो ये उठता है कि उसने गोली क्यों चलाई, हत्या क्यों की? सर, मैं रामचंद्र को बचाने नहीं आया क्योंकि उसे कोई नहीं बचा सकता। कोशिश तो कर सकते हो। सर, मैं वो चीज बचाने की कोशिश कर रहा हूं जो रामचंद्र के प्राणों से भी कीमती है। क्या? सत्य, वो सत्य जो एक प्राणी के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान होता है। व्हाट आर यू, वकील जी? साहब, मैं आत्मा का अहेरी हूं, हंटर ऑफ द सोल। जो मैं गौरव कैप्टन साहब, He doesn't speak our language. आत्मा की है, हंटर ऑफ द सोल। What the hell does it mean? सर, हमें कैप्टन रॉय से सावधान रहना चाहिए, वो भाषा का इस्तेमाल हथियार की तरह करता है। मेरा ख्याल है आर्मी हेडक्वार्टर के लॉ डिपार्टमेंट ने सोच समझ कर विकास राय को इस कोर्ट मार्शल में भेजा है। आजादी के बाद यह पहली घटना है कि कोई जवान किसी अफसर का खून कर दे। आपको जनरल पुरी का केस तो याद होगा, उम्र कैद की सजा हुई थी। रॉय उस कोर्ट मार्शल में सरकारी वकील था मेरे खिलाफ, उस जनरल को स्पाइन के केस में उम्र कैद की सजा उसी ने करवाई थी। वो हमेशा सच को जान लेता है, हर हालत में जान लेता है। उसके बनाए हुए कानूनी चक्र भी उसे आज तक कोई भी बच नहीं सका। यस, ही इज द हंटर ऑफ द सोल। लेकिन इस बार तो वो डिफेंस काउंसिल की तरफ से कैसे बचाएगा बिना चैलेंज किए गोली चलाई थी उसने? सवाल ये नहीं कि वो रामचंद्र को कैसे बचाएगा, सवाल ये है कि वो और किस किस को मरवाएगा। सर, मैं आगो शत्रुघ्न, जंग के दिनों वाली शत्रुघ्न, खतरे की बू। क्या इस केस में कैप्टन रॉय शत्रु है?
नहीं, लेकिन शत्रु है जरूर, खतरे की बू है तो शत्रु भी जरूर है। लेकिन क्या आज तक कोई बच सका है सूरज सिंह के हाथों से? नहीं, कभी नहीं। मेजरपुरी सर, आप अपना अगला गवाह पेश कीजिए। इस मुकदमे के अगले गवाह रेजिमेंट के कैप्टन बीडी कपूर। कैप्टन कपूर, यस। क्या कभी सवार रामचंद्र ने आपके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की शिकायत की? नो सर। तो क्या कभी आपने कोई शिकायत की हो? आई गेस नो। तो जिस रात की हत्या हुई, क्या सवार रामचंद्र ने आपको ललकारा था, चैलेंज किया था? I think I have said this before. I'll say it once again. Yeah. This guy opened fire without challenge. Sir, Captain Roy, आप गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। सर, मुझे कैप्टन बीडी कपूर से कोई सवाल नहीं पूछना। इन्हें फिर बुलाने की इजाजत दी जाए। ऑल राइट मेजर पुरी सर, प्लीज प्रेजेंट योर नेक्स्ट विटनेस। मेरे अगले गवाह रेजिमेंट के डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। कैप्टन गुप्ता, यस। जिस रात ये खून हुआ आपका? मैं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल पीछे अपने स्कूटर पर मैं लौट रहा हूँ, तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज सुनाई। मैंने फौरन अपने स्कूटर को हादसे की जगह पर मोड़ लिया। क्या देखा आपने वहां पर? मैंने वहां देखा कि कैप्टन मोहन वर्मा जमीन पर गिरे हुए थे, पास देखिए बिल्कुल बंद, गोली उनकी गर्दन लगी थी। कैप्टन बीडी कपूर वहां बेहोश पड़े हुए थे, उनकी पल्स कमजोर पड़ चुकी थी और उनके बाएं कंधे से लगातार खून बह रहा था। मैंने फौरन अपनी कमीज उतारी, फाड़ी और कैप्टन बीडी कपूर के बाएं कंधे पर पट्टी बांधकर उनके खून का बहाव रोका। नहीं तो उस वक्त रामचंद्र कहां था? रामचंद्र, रामचंद्र को पांच पांच जवान जकड़े हुए थे और चिल्ला रहा था कि छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन बीडी कपूर का कत्ल कर दूं। इसके बाद क्या हुआ? तब तक सुबेदार साहब गार्ड हाउस से फोन कर चुके थे एम्बुलेंस के। एम्बुलेंस ठीक पांच मिनट अंदर वहां पहुंच गए। हम लोगों ने फौरन कैप्टन बीडी कपूर को एम्बुलेंस के अंदर उतारा और चल पड़े। मैं साथ ही बैठ गया, लेकिन कैप्टन बीडी कपूर को एम्बुलेंस के अंदर उतारते हुए उनके बाएं कंधे की पट्टी थोड़ी सी खिसक गई, इससे उनके खून का बहाव दोबारा शुरू हो गया। मैंने दोबारा पट्टी बांध कर उनके खून के बहाव को रोका और कैप्टन बीडी कपूर को सीधा ऑपरेशन रूम ले गए। वहां पहले से मौजूद सर्जन कर्ण जोशी ने इनफैक्ट मेरे बारे में कहा कि अगर मैं कैप्टन बीडी कपूर के खून के बहाव को नहीं रोकता तो उनकी मौत हो जाती, यकीनन मौत। ही उधर डायर शब्द कैप्टन गुप्ता, यस। क्या कैप्टन कपूर का ऑपरेशन एकदम किया गया? नहीं, पहले मैं खून दिया। लकीली मेरा ब्लड ग्रुप कैप्टन बीडी कपूर ब्लड ग्रुप से मिलता था, सो आई गिव माय ब्लड टू सेव द लाइफ ऑफ कैप्टन कपूर। उसके बाद कपूर का एकदम ऑपरेशन किया गया। गोली अगर एक इंच नीचे लगती तो कैप्टन बीडी कपूर के हार्ट को चीर डालती, लेकिन वो लगी है कि रामचंद्र का निशाना चुक गया और बस। एंड यू नो सर, सर्जन जोशी ने मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर में रिकमेंड किया है फॉर सेडेशन, फॉर राइजिंग टू द ऑकेजन एट वंस एंड सेविंग द लाइफ ऑफ आवर ब्रदर ऑफिसर। थैंक्स कैप्टन गुप्ता, वेलकम सर। कैप्टन रॉय, आप सवाल से सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर गुप्ता, यस। आपने अपनी डॉक्टरी की परीक्षा कहां से की? आर्म फोर्सेस कॉलेज ऑफ मेडिकल फ्रॉम पुणा, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। गुड, कांग्रेट्स। थैंक यू।
तो हत्या की रात आपने खुद सुना कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का भी कत्ल कर दूंगा। Yes, of course. I heard it with my own ears. Good. लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्या वो उस रात पागल हो गया था? No, no, no. It's a figure of speech. पागल और गुस्से से पागल हुए इंसान में फर्क होता है। उस रात रामचंद्र के ऊपर खून सवार हो गया, इसलिए वो गुस्से से पागल हो गया। And don't mistake it that you can't trap me, okay? I'm not Sridhar Bhagwan Singh. Good, comrades. भाई फिर तो मेरी जगह वकील आपको ही होना चाहिए था। खैर, आज से 5 महीने पहले रामचंद्र को सैनिक अस्पताल में क्यों भर्ती किया गया था? उसे डायरेक्ट हुआ था और मैंने खुद उसे रेफर किया था। तो आपको कैसे पता चला उसे टाइफाइड हुआ है? उसने सिक रिपोर्ट की थी आपके पास? उसका सिक रिपोर्ट नहीं थी। एक्चुअली उस दिन हमारे रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों के साथ हॉकी मैच था और हॉकी मैच शुरू होने के 10 मिनट के बाद रामचंद्र बेहोश हो गया और ग्राउंड पर गिर गया था। तो कितना था बुखार? 104 था। मैंने खुद फोन किया था एम्बुलेंस के लिए और मैंने उसे टाइफाइड लिखा था और मैं गैस बिल्कुल कंफर्म हूं। डॉक्टर गुप्ता भाई, आप तो इतने ग्रेट डॉक्टर हैं। एक छोटी सी बात बताइए। मैच 4 बजे शुरू हुआ और 10 मिनट बाद रामचंद्र बेहोश होकर ग्राउंड पर गिर गया। तो क्या 10 मिनट में किसी को 104 डिग्री बुखार चढ़ सकता है? नो, टाइफाइड एकदम से चढ़ता। मुझे तो यकीन है कि रामचंद्र को मैच शुरू होने से पहले ही बुखार आ होगा। अच्छा, तो आपको मैच शुरू होने से पहले ही नहीं पता था कि उसे तेज बुखार है? कैसे पता होगा मुझे? खिलाड़ियों को मैच शुरू होने से पहले ही थर्मामीटर नहीं लगाते? बड़ा सिली क्वेश्चन यू आस्क समटाइम्स मिस्टर रॉयल। देखिए डॉक्टर गुप्ता, आप मेरी बातों का बुरा मत मानिए भाई, दरअसल मुझे डॉक्टरी का कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ी बहुत मदद कर देंगे तो हमें भी हो जाएगा थोड़ा बहुत ज्ञान। सो लेट मी रिप्लेस, आपके बताए अनुसार किसी को थर्मामीटर लगाए बिना नहीं चल सकता पता कि उसे कितना बुखार है? नहीं, हम पल्स देखकर गेस कर सकते हैं, लेकिन बुखार कितना है जानने के लिए लगाना ही पड़ेगा थर्मामीटर। अंडरस्टैंड? थैंक्स, वेलकम। थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग मी डॉक्टर गुप्ता। वेलकम डॉक्टर गुप्ता। रुकिए, अभी मुझे आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं। ओह, आई थॉट यू आर फिनिश्ड, बट नाउ यू शुड प्रोसीड ऑन। मैच वाले दिन सिक रिपोर्ट के लिए रामचंद्र को कितने बजे लाया गया था आपके पास? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे। मैंने यह नहीं पूछा कि सिक रिपोर्ट का टाइम क्या था। हवलदार राज सिंह और 2 और जवान आपके पास रामचंद्र को थाम कर लाए थे, घड़ियां उन्होंने भी पहन रखी थी। तो जरा याद करके बताइए कि रामचंद्र को सिक रिपोर्ट के लिए कितने बजे लाया गया था आपके पास? मुझे ठीक से टाइम याद नहीं। अच्छा भाई, कहें तो बुलाओ हवलदार राज सिंह को गवाही के लिए, करा देगा याद आपको टाइम, एग्जैक्ट टाइम कि मैच से पहले लाए थे या बाद में। जवाब दो कैप्टन, डोंट बी डम। छोड़ते हैं सर कि कितने बजे सिक रिपोर्ट के लिए लाया गया। हाँ भाई, ये तो जरूरी नहीं कि अगर कोई सिक रिपोर्ट के लिए आपके पास आए तो आप अपनी घड़ी चेक करें। जब सिक रिपोर्ट के लिए रामचंद्र को आपके पास लाया गया तो कौन बैठा था आपके पास? मेरे पास उस दिन कैप्टन कपूर बैठा हुआ था। अच्छा, तो लगाया था आपने थर्मामीटर? डॉक्टर गुप्ता, लगाया था आपने थर्मामीटर? कैप्टन गुप्ता, चुप रहने से आप सवाल का जवाब देने से बच नहीं सकते। मुझे डर है कहीं आप पर आर्मी एक्ट 39 के मुताबिक केस न दर्ज किया जाए। बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। सर, इज इट क्लियर टू यू? सर, सर, जॉनीस डॉक्टर बीमारी का बहाना करता है सर। जॉनीस? ये जॉनीस क्या होता है डॉक्टर गुप्ता? सर, जॉनीस सर जॉन करते हैं सर। अंडरस्टैंड प्लीज डॉक्टर गुप्ता। भाई, अब आप मुझे सर क्यों कहने लगे? मेरा रैंक भी कैप्टन का ही है और आपको शायद मालूम होगा कि गुलामी के दिनों में अंग्रेज अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जॉनीस पुकारते थे। ये जॉनीस शब्द गाली मालूम होता था। गाली?
खर्च हो गए, लेकिन आपको बिना नब देखे बिना थर्मामीटर लगाए पता चल गया कि जॉनी रामचंद्र झूठ बोल रहा है, बीमारी का बहाना बना रहा है। आप डॉक्टर नहीं, आप तो भगवान है, साक्षात भगवान। हाँ हाँ, नहीं देखी बात मैंने, नहीं लगा था मैं थर्मामीटर, क्या करूँगा, फटा हुआ था। उसने कहा मुझसे कि रामचंद्र को कुछ नहीं हुआ, बीमारी का बहाना जा रहा, तो मैं क्या करता। मैं डॉक्टर आप है कि कैप्टन कपूर, उसने तुम्हें अंग्रेजी में बोलकर रोका था थर्मामीटर लगाने से, गाली देकर। गाली हवलदार राज सिंह ने भी सुनी थी, इतनी अंग्रेजी आती है उसको। तो बोलो क्या कहा था उसने तुमसे। He said, this bastard is shaming, nothing is wrong with him. मतलब कि रामी रामचंद्र झूठ बोल रहा है, बीमारी का बहाना बना रहा है, कुछ नहीं हुआ उसे। थैंक्स डॉक्टर गुप्ता, थैंक्स। भाई कौन होता हूं मैं आपको बताने वाला कि आपको कैप्टन कपूर की बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि डॉक्टर वो नहीं, डॉक्टर आप हैं। उसने कहा और आपने मान लिया कि जॉनी रामचंद्र झूठ बोल रहा है, बीमारी का बहाना बना रहा है। Well, now I am finished, Dr. Gupta. Captain Gupta, जो खड़े हो तब वहां पर अपनी जगह वापस जाओ। सवाल तो कब के खत्म हो गए। No, सवाल अभी खत्म कर रहे हैं। Come here, Mr. Gold Medalist. अभी से ही सिविल मैन ऑफ इंडिया होना स्टार्ट कर दो। And forget about that bloody citation. Damn it. सर, चाय यहाँ पीएंगे या साथ वाले कमरे में? साथ वाले कमरे में। दो मिनट का ब्रेक। सात घाव करके जाता है। माइंडेड
रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रजेंद्र रावत गवाही देंगे। सर, क्या कभी इन दो अफसरों ने सवार रामचंद्र के खिलाफ आपसे कभी भी किसी तरह की कोई शिकायत की? कभी नहीं। तो क्या कभी सवार रामचंद्र ने इनके खिलाफ कोई शिकायत की हो? कभी नहीं भैया। इन दो अफसरों का रिकॉर्ड कैसा है? बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। सर, कैप्टन रॉय, आप गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। सर, आपने अभी बताया कि रामचंद्र की इन दोनों अफसरों से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर उसने इन दो अफसरों पर गोली क्यों चलाई? क्योंकि हत्या? क्या वो शायद पागल हो गया? क्या रॉय ये सवाल नहीं पूछ सकता? अगर उसे ये सवाल पूछना है तो उसके लिए इंसैनिटी प्ली लेनी होगी। भाई, मैंने कब की बात स्थाई पागलपन की? और अगर इंसैनिटी प्ली लेना है तो आप लेंगे? मैं नहीं, मैं लूंगा इंसैनिटी प्ली। Have you gone mad? Major Puri, mind your language. तुम जानते हो कि रामचंद्र का मेडिकल कोर्ट मार्शल से पहले हो चुका है, लेकिन कुछ नहीं, बार बार कैप्टन रॉय को बीच में टोकने की जरूरत नहीं है। कैप्टन रॉय, सर, रामचंद्र ने इन दो अवसरों पर गोली क्यों चलाई? क्योंकि हत्या? मैं नहीं जानता कैप्टन। रामचंद्र ने किसी और अवसर पर गोली क्यों नहीं चलाई? क्यों नहीं की किसी और की हत्या? मैं नहीं जानता कैप्टन। कुछ नहीं जानते आप? आश्चर्य, बहुत ही मासूम संसार में रहते हैं सर आप, बधाई हो। व्हाट डू यू मीन कैप्टन? तुम मुझे ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हो? नो सर, ऑफ कोर्स नॉट। भाई, आपको क्यों कर ब्लेम किया जा सकता है? आप तो जानते ही नहीं कुछ। समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। कैप्टन रॉय, क्या कोई सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं आप? नो सर, दरअसल मुझे शेक्सपियर के हैमलेट की कुछ लाइनें याद आ रही थी। है सर, मैंने रामचंद्र की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देखी, आपने अपने हाथों से उसे प्लस ए ग्रेड दिया, क्यों? ऐसी कौन सी खास बात देखी आपने उसमें? रामचंद्र हमारी रेजिमेंट का सबसे चुस्त जवानों में से एक, अपनी ड्यूटी का पक्का और ईमानदार, एन आइडियल सोल्जर। बट क्या कभी कैप्टन कपूर ने उसके खिलाफ कोई शिकायत की आपसे? नहीं, आज तक किसी ने कोई भी शिकायत नहीं की है रामचंद्र के खिलाफ। मार्च की 7 तारीख को जब आप परेड ग्राउंड पहुंचे तो क्या हो रहा था वहां? क्या हो रहा? परेड हो रही थी। सॉरी सर, शायद मैंने सवाल ही गलत पूछा। आपको शायद याद नहीं कि उस दिन कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सल्यूट मारने की सजा दी थी। हाँ, मैं गोल्फ ग्राउंड की तरफ जा रहा, मैंने देखा कि सभी जवान सावधान खड़े, ये लोग परेड क्यों नहीं करते? मैं हैरान था, लेकिन जब मैं मैदान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि कैप्टन कपूर रामचंद्र के सामने खड़ा और रामचंद्र कैप्टन कपूर को सल्यूट कर रहा। तो फिर क्या देखा? सूबेदार साहब ने बताया कि कैप्टन कपूर ने रामचंद्र को 100 बार सल्यूट करने की सजा दी। तो क्या किया फिर आपने? कुछ पूछताछ की होगी? कैसी पूछताछ? मुझे अपने अफसर पर पूरा भरोसा है। अगर रामचंद्र ने देखा होगा, अगर कैप्टन कपूर ने देखा होगा कि रामचंद्र ने उसे सही से सल्यूट नहीं किया तो सही देखा होगा। एक ऑफिसर को पनिशमेंट देने का हक है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, लेकिन फिर आपने कैप्टन कपूर को ये ऑर्डर क्यों दिया कि वो रामचंद्र के प्रत्येक सल्यूट के जवाब में सल्यूट करे पूरे 100 बार? तुम्हें रूल्स के बारे में कुछ भी बताया कैप्टन? अगर एक ऑफिसर ने वर्दी पहन रखी है तो उसे सल्यूट के बदले सल्यूट देना पड़ता है। यस, ही इज राइट। ये रूल तुम्हें पता होना चाहिए था कैप्टन। सॉरी सर, मुझे इस रूल का पता नहीं था। दरअसल हम कानून विभाग के अफसरों को सेना की इन शानदार परंपराओं का ज्ञान कहा है। सर, आपने रामचंद्र के लिए 2 किलो दूध और बादाम की अतिरिक्त खुराक क्यों लगवाई? हमारे रेजिमेंट का राजेंद्र 5000 मीटर की दौड़ में रामचंद्र सबसे तेज, सेना के रिकॉर्ड तो सिर्फ 20 सेकंड ज्यादा। मैं हैरान था, लेकिन फिर मुझे यकीन हो गया कि रामचंद्र यह रिकॉर्ड तोड़ सकता है, बस इसीलिए उसके लिए एक्स्ट्रा खुराक लगाई। कांग्रेट सर, भाई आपके जैसी पहचानने वाली आंखें हमारे रेजिमेंट में कितने अफसरों के पास है, तो रामचंद्र आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? बिल्कुल,
उत्तरी कमान खेलों के मुकाबले में रामचंद्र सबसे तेज था, सेना के रिकॉर्ड से सिर्फ 5 सेकंड ज्यादा। क्या रामचंद्र सेना का रिकॉर्ड तोड़ पाया सर? सेना का ही नहीं, वो पूरे एशिया का रिकॉर्ड तोड़ सकता था, लेकिन उससे पहले ही हादसा हो गया। He could have won Asian gold medal for us. मेरे रेजिमेंट का रामचंद्र एशिया का सबसे तेज दौड़ने वाला रामचंद्र। राइट सर। अच्छा सर, रामचंद्र से पहले 5000 मीटर की रेस का चैंपियन कौन था? क्या हर इस सवाल का क्या मतलब? कर्नल रावत, आप बचाव वकील से बहस नहीं कर सकते, उसके सवाल का जवाब दो। इससे पहले इस दौड़ का चैंपियन कैप्टन कपूर था। करेक्ट। तो कैप्टन कपूर ये रेस किसलिए हारा सर? मैं नहीं जानता कैप्टन, एंड हाउ द हेल आई नो। Sometimes you ask stupid questions. Sorry sir. भाई आप तो वैसे ही गुस्सा हो गए। मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल आसान था। भाई प्रत्येक विजय के पीछे सिर झुकाए खड़ी एक पराजय होती है। कैप्टन कपूर ये रेस इसलिए हारा क्योंकि रामचंद्र उससे तेज था। कैप्टन रॉय को ये फालतू के सवाल पूछने से रोका जाए। दौड़ में कौन जीता कौन हारा इस बात का स्पोर्ट मास्टर से मतलब है? मतलब है मेजर पुरी, आप जानते हैं, मैं जानता हूं, इस कोर्ट में बैठा हर शख्स जानता है कि मतलब है, लेकिन मानता कोई नहीं। और आप कौन होते हैं मुझे सवाल पूछने से रोकने वाले? भाई आप तो नहीं है इस कोर्ट के प्रिसाइडिंग जज, यह हक सिर्फ प्रिसाइडिंग जज को होता है, आपको नहीं। और मेरे प्रत्येक सवाल पर आप इतना परेशान क्यों जाते हैं अंडर? कहीं आपके आत्मा के द्वार पर सत्य ने दस्तक देनी शुरू तो नहीं करती मेजर पुरी? कैप्टन रॉय, आप आत्मा परमात्मा की बात भूल कर लेते हैं। कौन सी देवी देवताओं की पूजा करते हैं? काली, रक्तपान करती काली, पापियों का रक्तपान करती काली, हजारों भुजाओं वाली काली। साहब, कैप्टन कपूर की पत्नी कहाँ है आजकल? मैं नहीं जानता, आप कैप्टन कपूर से पूछे तो बेहतर हो। कैप्टन रॉय किसी के घरेलू और पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल नहीं कर सकता, उसे किसी को बदनाम करने का कोई हक नहीं। कैसे होगी बदनामी, यहाँ कोई रिपोर्टर तो बैठा नहीं। कहोल प्रोसीडिंग रिजल्ट कैमरा। मेजर सेना में पर्सनल लाइफ एक सीमा तक होती, तो विदेश मेहमान भी घर आके रुके तो उसे सीओ को सूचना देनी पड़ती, तो जरा से ज्यादा शराब पिए तो उसे सीओ के सामने पेश किया जाता है कि नहीं? रो बेटा, दिस नो सच थिंग कॉल टोटल पर्सनल लाइफ इन एनी आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। हेलो सर, करियर का पिनवर सर, तो कहां है आजकल कैप्टन कपूर की पत्नी? इनके साथ क्यों नहीं रह रही? कैप्टन रॉय, ये सवाल इनसे पूछने का क्या मतलब? सर, सीओ एक पिता समान होता है, एक रेजिमेंट के परिवार का पिता, और परिवार में कोई भी घटना पर्सनल नहीं हुआ करती। कैप्टन कपूर की पत्नी आपसे मिलने आई थी आपके दफ्तर में इस हादसे से ठीक एक महीना पहले, कुछ शिकायत थी उन्हें, याद नहीं आपको? तुम्हें कैसे पता कि वो हादसे से एक महीना पहले मुझसे मिल रहा है? तुम क्या कोई भगवान हो? सर, सच जानने के लिए भगवान बनने की जरूरत नहीं होती, भाई जरूरत होती है तो बस थोड़ी सी ईमानदारी। कैप्टन कपूर की पत्नी आजकल दिल्ली में है अपने माता पिता के साथ, इनके साथ नहीं रह रही, उनसे मिलकर आया हूं मैं, और उन्होंने तो मुझे उस प्रार्थना पत्र की प्रति भी दी है जो उन्होंने सीओ साहब को दिया था। क्या लिखा था उस एप्लीकेशन में? कैप्टन रॉय को किसी पर कीचड़ उछालने से रोका जाए, कैप्टन कपूर की पत्नी की वजह से यह कोर्ट मार्शल नहीं हो रहा। जवान रामचंद्र ने मर्डर खून किया है इसलिए हो रहा है। कैप्टन रॉय, जो तुम सवाल पूछ रहे हो क्या उसका इसका कोई मतलब है? अगर है तो सवाल जारी रखो। बेटा सुनो, तुम्हें पहले ही कहा था कैप्टन रॉय को बीच में टॉपिक की तरह नहीं, बैठ जाओ। सर, मुझे सीओ साहब से कोई सवाल नहीं पूछना। श्रीमती कपूर इनके पास क्या स्टेटमेंट लेकर आई थी ये मैं बताता हूं। जिस रात कैप्टन कपूर मैं से लौटा वो नशे में धुत था, he was dead drunk। जब वो अपनी पत्नी के पास पहुंचा तो उसकी पत्नी बिस्तर से उठ खड़ी हुई, उसने उसे कहा कि मुझे मत छुओ, यू आर सिंकिंग, डोंट टच मी। लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे के घोड़े पर सवार था, उसने पत्नी की एक नहीं सुनी और उसका गाउन फटाना, और उससे कहा that I have the license to sleep with you।
चुपचाप आ जाओ बिस्तर पर। उसकी पत्नी ने उसे धमकी दी, उससे कहा कि अगर मुझे छुआ तो सीओ साहब से तुम्हारी शिकायत ना की तो थू है मुझ पर। लेकिन कैप्टन कपूर तो नशे में चूर था, उसने पत्नी को थप्पड़ मारकर कहा कि सीओ तेरा यार लगता है या तेरा बाप। उसने मेज पर रखी ऐसे अपनी पत्नी के सिर पर दे मारी। कैप्टन कपूर की पत्नी के कान के पास लगी चोट, उसकी पत्नी का कान फट गया और वो बेहोश होकर गिर गई। और नशे में चूर कैप्टन कपूर को यह पता ही नहीं चला कि श्रीमती कपूर को हमेशा बहू को जलाती है, बेटी को कभी नहीं। कार्यवाही शुरू की जाए। ठीक कहा सर कैप्टन कपूर ने, मेरा बड़ा भाई नक्सलवादी था और पुलिस के हाथों मुठभेड़ में मारा गया। वो बहुत बड़े और सच्चे सपने देखता था और जो लोग सच्चे सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं वो कभी भी अपनी मौत नहीं मरते, उनकी मृत्यु हमेशा दूसरों के हाथों होती है। और ये बात ना तो सिर्फ पुलिस को पता है बल्कि भारत सरकार को भी पता है, फिर भी मुझे सेना में रख लिया और आप जैसे अफसर के विरुद्ध केस लड़ने के लिए भेज दिया। शायद इस बात से कैप्टन कपूर बहुत नाराज है मुझसे। सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कैप्टन कपूर की इन बातों को कोर्ट नोट ना करे, वो गुस्से और घबराहट में कुछ भी बोल जाते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि कैप्टन कपूर को गुस्से में पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं। मेजर पुरी, चाहे कोई अपने होशो हवास शुद्ध बुद्धि क्यों ना खो बैठे, लेकिन न्याय की लड़ाई इससे रुक तो नहीं जाएगी ना। मुझे तो लगता है कि इस बार आप गलत जगह से युद्ध कर रहे हैं, एक हत्यारे की तरफ। इस बात पर सोचने विचार में और निर्णय लेने का काम ना आपका है ना मेरा। ये तो कौन सोचे कि एक सीधा साधा अनुशासन प्रिय सैनिक अपने ही अफसरों पर गोली क्यों चला बैठा, हत्या क्यों कर बैठा। भाई हर मनुष्य तो एक जैसा होता है ना, लेकिन जब दूसरा आदमी जानवर बन जाए, एक जंगली जानवर, तो वो आदमी अपने बचाव के लिए हथियार उठाएगा कि नहीं उठाएगा, हर हालत में उठाएगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि रामचंद्र के मन में ये डर, ये भय भर करके बैठ गया हो कि कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा कभी भी उस पर जानलेवा हमला कर सकते हैं, और जब बंद हो गए सारे रास्ते तो उठा ली उसने शमशीर। और सर अगर ये आदमी अगर अपनी पत्नी पर हमला कर सकता है, एक जानलेवा हमला, तो ना जाने उसे रामचंद्र के साथ क्या सलूक किया होगा कि वो हथियार उठाने पर मजबूर हो गया। और सर गिर जाने पर, प्राणों का खतरा होने पर तो गाय भी सींग मारती है सर, तो रामचंद्र तो फिर भी इंसान है सर। कैप्टन रॉय, कहीं आप ये साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे कि उस ऐसे मारने वाली घटना से रामचंद्र इतना डर गया, इतना दहशत ज़दा हो गया कि उसने डर के मारे गोली चला दी। कैप्टन रॉय, जिस रात रामचंद्र ने गोली चलाई, मेरा मतलब है हत्या की, उस रात तो इन दोनों अफसरों के पास हथियार के नाम पर छुरी
कांटा भी नहीं था और ये कोर्ट मार्शल है, सबूतों और गवाहों के आधार पर हो रहा कोर्ट मार्शल। सच बिल्कुल साफ है, पानी की तरह साफ। आप इसे जानबूझकर सेल्फ डिफेंस साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और कौन आदमी कब और कैसे क्यों कर जानवर बन जाता है? इस बहस की जगह यह कोर्ट मार्शल नहीं। और मुझे तो लगता है कि कैप्टन रॉय किसी साइकोलॉजी सेमिनार में पेपर पढ़ने आए हैं, कोर्ट मार्शल में वकालत करने तो आए नहीं। सॉरी, आई एम सॉरी मेजर पुरी, मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी सर। अब मेरी माननीय कोर्ट से दरख्वास्त है कि कैप्टन बीडी कपूर का नंबर लगे गवाही देने का। अब हत्या के चश्मदीद गवाह कैप्टन बीडी कपूर की बारी है गवाही देने की। कैप्टन बीडी कपूर, आपको ये पदक किस लिए दिए गए? I got this medal for... आप हिंदी में जवाब दें। सर, मुझे हिंदी बोलना तो ठीक से नहीं आता। I want to speak in English, please. Continue. आपका जन्म कहाँ हुआ? अमृतसर। और पढ़ाई? वही अमृतसर, वही से मैंने अपना बीए पास किया है। ओह, आप बीए पास हैं? Yes. Good. Thank you. Congrats. Thank you. मैंने आपके मैट्रिक के प्रमाण पत्र देखे, मेरा मतलब सर्टिफिकेट्स देखे हैं। आपने बीए में और मैट्रिक में दोनों में हिंदी विषय लिया और पास भी हुए, फिर भी कहते हैं आपको हिंदी बोलना नहीं आता। शेज, मैं कलकत्ता में जन्मा, वही पला बड़ा और वही पढ़ाई की। मुझे हिंदी आती है, लिखनी भी और बोलनी भी। हाँ छोड़िए भाई, तब तो आप जवानों से अंग्रेजी में ही बात करते होंगे क्यों? नहीं नहीं, मतलब टूटी फूटी हिंदी तक तो मैं सबसे बोल ही लेता हूँ। वो तो टूटी फूटी, ये टूटी फूटी हिंदी क्या होती है कैप्टन बीडी कपूर? आपको अपनी भाषा बोलने में अपमानित महसूस होता है, मेरा मतलब इंसल्टेड फील होता है क्यों? ठीक कहा ना? देखिए वकील साहब, एक अफसर हमेशा दूसरे अफसर से अंग्रेजी में ही बात करता है, और ये रूल अभी का नहीं, अंग्रेजों के जमाने से चलता आ रहा है। अंग्रेजों का जमाना बीते हुए सदियां हो चुकी है, लगता है उनका हैंगओवर भी उतरा नहीं। कैप्टन रॉय, हम यहां पर भाषा पे बहस करने नहीं आए। शायद कैप्टन कपूर अंग्रेजी में ज्यादा अच्छा बता सकते। लेट हिम स्पीक इन इंग्लिश। ओके सर। सुबेदार साहब से आपकी शिकायत रामचंद्र ने क्यों की? रामचंद्र, वो क्या है ना वकील साहब, अब फौज में खानदानी लोग तो भर्ती नहीं हो सकते, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ निचली जाति के लोगों को लेकर आ जाते हैं। तो जब ये निचली जाति के लोग आएंगे तो यही होगा ना, बात बात पे शिकायत और नेम ब्लेमिंग। अरे इन लोगों के वजह से इंडियन आर्मी का डिसिप्लिन। आप अनुशासन की चिंता ना करें भारतीय सेना की। और ये खानदानी लोग क्या होते हैं कैप्टन बीडी कपूर? खाते पीते घरों के। अरे इन भूखे नंगों को फौज में लेकर आए, महज महज दो की रोटी ना मिलने लगी, इनका दिमाग नहीं फिरेगा? फिरेगा, जरूर फिरेगा। और आप तो खानदानी घर से है ना, खाते पीते संपन्न घर के? यस, पिछले चार पुश्तों से हमारे पूर्वज राज करते आ रहे हैं। ICS, RFS, आर्मी नेवी और एयरफोर्स, हर जगह हमारे घर के लोग भरे पड़े हैं। रूलिंग क्लास, बहुत बड़ा और भारी वंशवृक्ष है आपका। यस, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय फैमिली। होना चाहिए, जरूर प्राउड होना चाहिए। आपके पिताजी क्या करते हैं? रिटायर्ड एज डीआईजी। ओह, आईजी नहीं बन सके? अरे तो क्या डीआईजी कम होता है किसी से? नो, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन फिर भी 5 साल में 2 बार सस्पेंड हुए और उसके बाद सो व्हाट, उनके खिलाफ किसी के पास भी कोई प्रूफ नहीं था। एंड फॉर अ काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर, ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। कैप्टन रॉय को किसी के मां बाप पर कीचड़ उछालने से रोका जाए, आखिर किसका हो रहा है ये कोर्ट मार्शल? कैप्टन कपूर का, या उसके मां बाप का, या जवान रामचंद्र का? ओके, नहीं पूछूंगा, अब नहीं पूछूंगा सर। दरअसल मैं सिर्फ खानदानी शब्द का मतलब समझने की कोशिश कर रहा था, अब समझ आ गया। कैप्टन बीडी कपूर, yes. आपका परिवार
परिवार कई समय से आपके साथ नहीं रह रहा, दिल्ली में है, तो खाना तो आप ऑफिसर्स मेस में ही खाते होंगे। नहीं, खाना मैं अपने घर पर खाता हूँ, और घर पर खाना बनाने के लिए मैंने एक नौकरानी भी रखी हुई है। नहीं, आपकी आदाश थोड़ी सी कमजोर है कैप्टन बी डी कपूर, पिछले कई समय से आप खाना अपने घर में या ऑफिसर्स मेस में नहीं खा रहे। हाँ, पिछले कई समय से नहीं खा रहा, पिछले कई समय से मैं अपने दोस्त लेट श्री कैप्टन मोहन वर्मा के घर पे खाता था। अरे तो क्या अब अपने दोस्त के घर रोटी खाना भी कोई क्राइम हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, मैंने कब कहा अपने दोस्त के घर खाना क्राइम है। अच्छा एक बात बताइए, आजकल अफसरों को वो फ्री राशन मिलता है ना? हाँ मिलता है, तो अगर आप खाना अपने दोस्त के घर खाते थे तो उस मुफ्त राशन का क्या जो आपको मिलता था? वो फ्री राशन तो मैं अपने नौकरों को दे देता था। नौकरों को? नहीं, आप फ्री राशन अपने नौकरों को नहीं देते थे कैप्टन बी डी कपूर, पिछले कई समय से आपका दली सदर बाजार के लाला बनवारी लाल एंड सन्स की दुकान पर जाता है राशन बेचने। कहें तो पेश करूं लाला बनवारी लाल को, आपके सेवादार को, कहें तो पेश करूं कि आप सरकारी राशन बेचते थे कैप्टन बी डी कपूर। अरे वो क्या हो गया, बाकी अफसर भी तो खत्म। अफसरों की बात तुम मत करो कैप्टन, क्या तुम्हारा सूबेदार राशन बेचता था या नहीं? लगता है अगला कोर्ट मार्शल तुम्हारा ही करना पड़ेगा। शायद अगले कोर्ट मार्शल की जरूरत ही ना पड़े सर। खैर, आप रामचंद्र से 5000 मीटर की रेस क्यों हारे? अरे फौज में भर्ती होने से पहले ये खेतों में डंगर चराता था, सारा दिन दौड़ता था ये जानवरों के पीछे, तो क्या हुआ एक रेस में मुझे हराने से ये कोई सुपरमैन बन गया? नहीं भाई, सुपरमैन तो आप हैं। मैं बताऊं आप रामचंद्र से क्यों हारे? आप रामचंद्र से इसलिए हारे क्योंकि आप दिन रात शराब पीते हैं। आपके शराब का बिल देखकर सीओ साहब आपको 2 बार फोन कर चुके हैं। रामचंद्र से रेस में हारने के बाद आपके खानदानी घमंड को, आपके अहम को ठेस पहुंची, आप रामचंद्र के दुश्मन बन गए और आपने उसे बात बात पर अपमानित करना शुरू कर दिया। मैं और दुश्मन इस रामचंद्र का? अरे दुश्मनी भी बराबर वालों से की जाती है, इन छोटे लोगों से नहीं। You know what? I think you are talking complete bullshit. छोटे लोग? ये छोटे लोग क्या होते हैं कैप्टन बी डी कपूर? छोटे लोग होते यही छोटे लोग, यानी कि रामचंद्र। हाँ ठीक कहा ना। हाँ अच्छा, क्या आप सचमुच रामचंद्र को चूड़ा और भंगी कहकर पुकारते थे? नहीं बिल्कुल नहीं, अरे वो झूठ बोल रहा है। और मैं सिर्फ माननीय कोर्ट से इतना पूछना चाहता हूं कि अगर मैंने भंगी को भंगी बोल दिया तो कोई गुनाह कर दिया मैंने उसमें? नहीं नहीं, आपने कोई गुनाह नहीं किया कैप्टन भिखारी दास कपूर। ठीक सेलों में आओ, इट इज बी डी कपूर। भाई आपके मैत्री के प्रमाण पत्र में आपका पूरा नाम लिखा है भिखारी दास कपूर। मैं बताऊं आपका नाम ऐसे क्यों पड़ा? दरअसल इनके खानदानी घर के अंदर ये अंधविश्वास है कि अगर किसी बच्चे का जन्म बहुत सी मिन्नतों के बाद हो, बहुत से पीर फकीरों को मनाने के बाद हो, तो उसका नाम घटिया और गंदा रखा जाता है, भिखारी दास कपूर। I am B.D. कपूर। Hey, don't you call me by your name। अगर आप चूड़े को चूड़ा भंगी पुकार सकते हो तो क्या आपको आपके असली नाम से नहीं पुकारा जा सकता भिखारी दास कपूर? Stop it! Stop it! Right now, all the ones who are short, मुझे थप्पड़ मारोगे? जब रामचंद्र को मारा था, जब उसने तुम्हें चूड़ा और भंगी कहकर पुकारने से मना किया था, या जैसे अपनी पत्नी को मारा था, जब उसने तुमसे कहा था कि तुम नर्मन हो, इंपोर्टेंट हो, कूल एनिमल हो, यू सन ऑफ अ बिच, यू मस्ट नॉट गो टू किल यू, आई एम गोइंग टू किल यू, कैप्टन बी.डी. कपूर, अपनी जगह पर वापस जाओ। नो, आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक, आई एम गोइंग टू किल दिस बास्टर्ड राइट नाउ। व्हाट द हेल डिड यू से टू मी? But sir, this is unlawful. Shut up. Sir, मुझे कैप्टन बी डी कपूर से कोई सवाल नहीं पूछना। कैप्टन कपूर, टेक योर प्लेस। मिस्टर पुरी, क्या आपको कोई और गवाह पेश करना है?
नो सर। डिफेंस काउंसिल अगर चाहे तो अपनी ओर से गवाह पेश कर सकती है। यस कैप्टन रॉय, डू यू विश टू प्रोड्यूस एनी विटनेस? सर, रामचंद्र। रामचंद्र सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा सर। मैंने खून किया है सर, मुझे सजा मिलनी चाहिए सर। मिलेगी सजा, जरूर मिलेगी। आपका नाम क्या है? सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। भाई, मैंने आपसे कोई सवाल तो पूछा ही नहीं, केवल आपका नाम पूछा है। आपका नाम रामचंद्र है, भगवान रामचंद्र के नाम पर। वो तो सच के लिए लड़े थे ना। शायद आपके माता पिता ने भी आपका नाम यही सोचकर रखा होगा, रामचंद्र। सर, मुझे नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम रामचंद्र क्यों रखा, मगर कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा मुझे देखकर हमेशा कहते थे कि आजकल हर जुड़े जवान का नाम रामचंद्र होता है। सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा सर। और मैं एक बार कर चुका हूं कि कपिल वर्मा का खून मैंने किया है। अरे किया है तो क्या तुम्हें परमवीर चक्र दे दिया जाए, क्या तुम्हारे गले में फूलों की माला डाल दी जाए? कहो तो तुम्हारी आरती उतार दूं? अरे फांसी होगी फांसी, किसी की जान लेने का, हत्या करने का इतना मुखावन। अरे खून करते समय तो डरे नहीं, और गवाही देते समय तुम्हारी जान जाती है। कानून और संविधान चाहे तुम्हें बराबर का हक बराबर का अधिकार दे, लेकिन तुम भाई के भाई रहोगे तब वो डर बोल कर कायर। अरे मैं तो कहता हूँ कैप्टन कपूर और कैप्टन वर्मा तुम्हें बिल्कुल ठीक पुकारते थे, चूड़ा चमार रामचंद्र सर। खाली बात तो सर, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा सर। रामचंद्र, तुम हमारे सेना की एक महत्वपूर्ण इकाई हो, सेना तो तुम पे नाज है। क्या कुछ हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, जो कुछ हुआ सच सच बताओ। बहादुरी से जी हो तो बहादुरी से मरना भी सीखो। बताओ क्या किया था इन दोनों अफसरों ने तुम्हारे साथ? सर, गंदी गंदी गालियां देते थे सर। क्या गाली देते थे रामचंद्र? चूड़ा चावा हरकत देते सर, पंडित दे देते सर, मेरा रंग देखकर चिंता चूड़ा पुकारते थे सर। उस हादसे की रात तुमने इनको मोटरसाइकिल रोकने के लिए तो ललकारा था नहीं, तो फिर क्यों रोकी थी इन्होंने मोटरसाइकिल गार्ड हाउस के पास? सर, मैं जब भी गाड़ी की बड़ होता था ये दोनों अफसर गाड़ी रोक कर मुझे गालियां देते थे सर। क्या गाली दी थी उस रात? क्योंकि सूबेदार साहब से कहकर मैंने अपने आर्मी की ड्यूटी बदलवाई थी सर। क्या गाली दी थी रामचंद्र? क्या गाली दी थी रामचंद्र? बोलो, तुमने सच बोलने की शपथ ली है। चिंता चुरा देते थे सर। राम की सच कहते थे सर। तुम्हारी मां चलो किसी कपूर और वर्मा के साथ तो ये भी कहते थे सर। मैदरपुरी क्लोजिंग स्टेटमेंट।
सब। जब रामचंद्र खुद ही कबूल कर चुका है कि उसने हत्या की, तो मेरे को साबित करने को बचा नहीं। बेशक बेशक कैप्टन रॉय ने यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि रामचंद्र के साथ जुल्म हुआ, अगर हुआ भी है तो ऐसा समाज जो कानून और नियमों पर टिका हो, विरोध करने के बहुत से रास्ते हैं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन रामचंद्र को कोई और रास्ता नहीं दिया दिखाई, उसे तो सिर्फ एक रास्ता दिखाई दिया, हत्या का रास्ता। समाज में निजी गुस्से और प्रतिकार के लिए कभी कोई जगह नहीं, बिल्कुल नहीं कोई जगह। रामचंद्र अपने कमांडिंग अफसर से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। रामचंद्र सेना के चीफ से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। बल्कि रामचंद्र को सेना के सबसे बड़े राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता था, उसने नहीं की। अगर मान भी लेते हैं कि ये दोनों अफसर रामचंद्र को तंग करते थे, गालियां देते थे, तो ये एक नैतिक जुर्म है। लेकिन रामचंद्र ने तो दुनिया का सबसे बड़ा जघन्य अपराध किया है, इसे तो सजा मिलनी ही चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में गाली का जवाब गोली से नहीं दिया जाता, इसने खून किया है खून। इसलिए इंडियन आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के मुताबिक रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, डेथ सेंटेंस। सर ठीक कहा मेजर पुरी ने, हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो कानून और व्यवस्था पर टिका हो, और ऐसे समाज में किसी के भी विरोध या विद्रोह प्रकट करने के लिए कोई स्थान नहीं, बिल्कुल नहीं कोई स्थान। समाज में कानून ने, व्यवस्था ने बना रखे हैं रास्ते, मीलों लंबे रास्ते, और इन रास्तों पर चलना भी शुरू किया जा सकता है। लेकिन प्रश्न तो यह उठता है कि क्या ये विरोध प्रकट करने के रास्ते कहीं पहुंचते भी है? नहीं पहुंचते, हरगिज नहीं पहुंचते। विरोध कोई नाटक नहीं जिसके अंतिम अंक लास्ट एक्ट तक पहुंचने की प्रतीक्षा की जाए। शक्तिशाली लोगों के विरोध को विरोध नहीं, राजनीतिक विरोध का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है सत्ता के पास रखी कुर्सी पर। और कमजोर लोगों का विरोध, उसे विरोध नहीं विद्रोह का नाम दिया जाता है, जो उन्हें एक ही छलांग में पहुंचा देता है सत्ता के पास रखी कुर्सी पर नहीं, बल्कि फांसी के तख्ते तक। जब ये छोटे छोटे विरोध लगातार दबा दिए जाए, अनसुने अनदेखे कर दिए जाए, तो होता है एक भयंकर विस्फोट, एक प्राण घातक विस्फोट। समाज ने, कानून ने सबको बराबर का दर्जा, बराबर का अधिकार दिया, लेकिन बड़े आदमी ने छोटे आदमी को और ऊंचे आदमी ने नीचे आदमी को यह हक नहीं दिया, हरगिज नहीं दिया। जो समाज, जो कानून जाति भेद के आधार पर चलेगा, ऊंच नीच के तराजू में इंसान को तोलेगा, उसकी आयु कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, हरगिज नहीं हो सकती। मेजर पुरी ने ठीक कहा कि रामचंद्र को फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उसने अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद कर दिया इनकार एक बच्ची की गंदगी उठाने से। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार अपनी आंख और अपनी कान बंद रखने से। अपने देश की रक्षा की शपथ लेने के बावजूद उसने कर दिया इनकार हराम की सत्य जैसी साधारण गाली सुनने से। तो हाँ, उसे फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। उसी आर्मी एक्ट 69 और इंडियन पीनल कोड की दफा 302 के तहत दंड मिलना चाहिए। मृत्यु दंड, डेथ सेंटेंस, मृत्यु दंड। अब सभी लोग बाहर जा सकते हैं।
सब सारे गवाह और सबूत पानी की तरह बिल्कुल साफ है, लेकिन मैं आपको कोई सलाह नहीं दे सकता सर। तो आखिरी फैसला मेरा होगा, मेरे ही कास्टिंग बोर्ड से जिंदगी और मौत का फैसला होगा। गुड, वेरी गुड, गुड सर। रामचंद्र, उसके सीईओ और दोनों वकील को अंदर बुलाओ। सर। सर, मैं टॉक टू मेजर पुरी फॉर फ्यू सेकंड्स प्लीज। मेक इट क्विक। सर। ऑर्डर नहीं आते, उससे कहा जाए कि वो रिवॉल्वर हर टाइम अपने पास रखे। कर्नल रावत सर, आज ही कैप्टन बीडी कपूर को एक रिवॉल्वर इशू करी जाए। यस सर। कचौल सर, आपको याद है ना सर, आज बड़ा खाना है, एक साथ दो दो खुशियां, हमारी रेजिमेंट का राइजिंग डे और आपके ब्रिगेडियर बनने की खुशी सर। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, मुझे अच्छी तरह याद। एक काम और करना सर, रामचंद्र को भी इस बड़े खाने में बुलाना। यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, बाय ऑल मीन्स सर। रामचंद्र आओ मेरा बड़े खाने में। आऊंगा सर, जरूर आऊंगा सर। बार क्या हुआ? पॉलिटिक जस्टिस। मैं समझा नहीं सर। जब इस दुनिया की अदालत इंसाफ न दिला पाए तो कभी कभी ऊपर वाला इंसाफ दे देता है। एनीवेज, लो एक ड्रिंक पियो।
आई एम सॉरी सर, मैं शराब नहीं पीता सर। सर, कैप्टन कपूर ने अपने आप को गोली मार ली, खुदकुशी कर ली सर। रामचंद्र। यस सर। क्या तुम्हें कभी किसी चीज से डर लगता है? नहीं सर, रामचंद्र किसी चीज से नहीं रहता सर। मैं कल सुबह तुम्हें सजाए मौत दे रहा हूं, उसके सिवा तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। सर, आप जो दो दे सर, आंखों पर सर। क्या आप भी नहीं पियोगे आखिरी दम मेरे साथ? पीऊंगा सर, जरूर पीऊंगा। थैंक यू रामचंद्र।